इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले अपने पीछे छोड़ के चले जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सबको पता है, आगे भी आपको पता होगा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कोशिश चाहे जो भी टाइम हो, जैसा भी टाइम हो, कोरोना है, कोरोना से भी बड़ा या छोटा टाइम है, उन सब में हमें कोशिश करने बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए। हेलो नमस्कार, मैं गौरव राज चौहान यूरेका टेक चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। जी आज का जो वीडियो है, आज के वीडियो में हम लोग इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल या डिजिटल बोर्ड लेने से पहले किन किन इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारे फीचर्स हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिन पर ध्यान रखना चाहिए, बट आज हम लोग सिर्फ उन बातों के बारे में, उन पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिन पे हम लोगों को बिल्कुल ही कंसंट्रेट करना चाहिए। बहुत सारे जो लोग हैं वो इन चीज़ों को नोटिस नहीं करते हैं। नॉर्मली पैनल का साइज क्या है, जनरली जैसे 65 इंचेज, 75 इंचेज, 86 इंचेज, ये साइजेज आता है, वो पूछते हैं, रैम रोम पूछते हैं और बिल्कुल फिर वो ले लेते हैं। तो इससे पहले और भी कुछ पॉइंट्स हैं जिनको कि आपको कन्फर्म होना चाहिए, जिस पॉइंट्स को आपको उनका डाटा शीट मांग करके शेयर करके आपको देखना चाहिए। तो उन पॉइंट्स को आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि मार्केट में क्या क्या चल रहा है। और अभी आप हमारे पीछे देख रहे होंगे एक स्मार्ट बोर्ड, इंटरेक्टिव स्मार्ट बोर्ड, इंटरेक्टिव डिजिटल बोर्ड लगा हुआ है। तो इसके बारे में भी बताएंगे कि ये सारे जो पॉइंट्स मार्केट में चल रहे हैं और अभी जो ये हम लोग दे रहे हैं उसमें अभी इस पैनल में और क्या क्या है आपको, ठीक है। चलिए आप लोग हमें कमेंट्स करके ये भी बताइए कि आगे के वीडियो में आप क्या देखना चाहते हैं, इस रिलेटेड जो भी आप लोग कमेंट्स में हमें बताएंगे। लाइक्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए, तो ताकि हम लोग आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो लाएं। कमेंट्स में आप बताएंगे कौन से वीडियो हम लाएं आपके लिए, वो वीडियो भी हम लोग लेकर के आएंगे। आज जो बात कर रहे हैं हम लोग इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल्स में क्या क्या चीज़ है, किन किन बातों का, तो सबसे पहले दो चीज़ होता है, एक सॉफ्टवेयर, दूसरा हार्डवेयर। यही दो चीज़ों से मिलकर के कोई भी स्मार्ट बोर्ड या इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल्स बना होता है। अब सॉफ्टवेयर में क्या क्या होता है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर में सबसे पहले ये जो पैनल है वो दो तरीके से आता है, एक तो या तो डिफॉल्ट इसमें एंड्रॉयड होता है, दूसरा ब्लैंक होता है, तीसरा आपको ऑप्शनल मिलता है ओपीएस, जिसको कि विंडोज बोलते हैं, एंड्रॉयड, विंडोज या ब्लैंक। तो सॉफ्टवेयर जो होगा ये डिफॉल्ट जो जनरली होता है वो एंड्रॉयड होता है। एंड्रॉयड में अभी मार्केट में क्या क्या आपको अवेल हो रहा है, 4.7, जो एंड्रॉयड 4.7 वर्जन, जनरली लोग उसको 5 भी कह करके मार्केट में दे रहे हैं, एंड्रॉयड 5, एंड्रॉयड 5.1, एंड्रॉयड 6, एंड्रॉयड 7, एंड्रॉयड 7.1, एंड्रॉयड 8, ये सारे वर्जन अभी जो है एंड्रॉयड में अवेलेबल है। ये जो पीछे आप जो देख रहे हैं डिजिटल बोर्ड, एंड्रॉयड 8 है अभी मार्केट में सबसे जो लेटेस्ट। अब बात करते हैं दूसरा एस्पेक्ट्स, जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो क्या है। तो दूसरा जो है डिस्प्ले कलर जो होता है इसमें, जब हम लोग लिखते हैं डिस्प्ले कलर का डेप्थ, तो डिस्प्ले कलर का जो डेप्थ है वो हम लोग बिट में कंसीडर करते हैं। तो 8 बिट, 10 बिट, 15 बिट, ये अलग अलग जो है बिट्स में होते हैं, 8 बिट्स, 10 बिट्स, 15 बिट्स, 12 बिट्स। तो ये जो अभी आप पैनल आपको दिख रहा है, ये जो बोर्ड दिख रहा है, ये 12 बिट का है कलर, इसका कलर डेप्थ जो है वो 12 बिट का है। बहुत सारे अभी मार्केट में 8 बिट के भी हैं, 6 बिट के भी हैं, 10 बिट के भी हैं, मैक्सिमम 12, 15 बिट तक है जो इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल में अभी चल रहे हैं हमारे मार्केट में, बट ये 12 बिट है। उसके बाद जो हम लोग चीज़ें देखते हैं, ब्राइटनेस, ये जो अभी मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको कि आपको ध्यान रखना है। ब्राइटनेस का जो मेजरमेंट इसमें होता है वो निट्स में होता है। तो अभी जितने भी ब्रांड्स हैं उन सब में आप कंपेयर कर सकते हैं, उनसे डाटा शीट मांग सकते हैं और देख सकते हैं कि उनका ब्राइटनेस क्या है। ये जो मेन जो एस्पेक्ट्स है वो आप बिल्कुल जरूर चेक कीजिए। इसमें 330, 350, 400, 450, 500 निट्स, ये अलग अलग निट्स अवेलेबल है। ये जो अभी आपके सामने है ये 450 निट्स ब्राइटनेस है। ये हुआ सॉफ्टवेयर की बात, जो मेन आपको चीजें चेक करनी है।
बाकी सॉफ्टवेयर का ऑप्टिमाइजेशन कैसा है, लुक कैसा है, बहुत सारे फीचर्स, स्टिचिंग टूल्स, ये तो सब में होते हैं, वो अपने अपने लाइक डिसलाइक पे हैं। वो भी इसमें हम लोग बताएंगे भी इस पैनल में कि इसका कैसा है और आपको कैसा लगा, जरूर हमें कमेंट्स में बताइएगा कि आपको इसका पसंद आया या नहीं, या कितना आपको मिट करता है जो हम डाटा आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जिन चीज़ों को देखना है उस बेसिस पे जो इसमें कॉन्फ़िगरेशन है उसके हिसाब से इसका परफॉर्मेंस कैसा है या क्या है। अब हार्डवेयर की बात कर लेते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले जो मेन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है जब एंड्रॉयड हम लेते हैं, जो जनरली कभी कोई नहीं पूछता है, बट आप आगे से डेफिनेटली आप उनसे पूछिए कि सीपीयू क्या है और जीपीयू क्या है। सबसे पहला तो सीपीयू में जो है, इसमें क्वाड कोर हम लोग दे रहे हैं, ये जो पैनल है, और ये आर्म का कोर्टेक्स है A73 जो एंड्रॉयड का प्रोसेसर आर्म एक कंपनी है जो डिजाइन करती है, वन ऑफ द बेस्ट डिजाइन करती है प्रोसेसर, बड़ी स्ट्रांग प्रोसेसर देती है, जिसमें A73 का दो प्रोसेसर आपको लगा हुआ है। दूसरा जीपीयू में इसमें जो है G51 G70, तो इसमें G70 का जीपीयू लगा हुआ है। ये बड़ी ही आपको हार्डवेयर वाइज स्ट्रांग बनाता है। एक चीज जो मैं पहले डिस्कस करना चाहिए था हार्डवेयर में, वो मैं भूल गया था, जो पैनल होता है, ये पैनल्स जो है चाहे जो भी कंपनी हो पूरे वर्ल्ड वाइड, ये चार कैटेगरीज में आता है, एक A+ पैनल, ए बी और सी, ये पैनल का ग्रेडिंग है। तो जनरली जो इंटरैक्टिव बोर्ड की बात करते हैं, ये स्मार्ट बोर्ड की बात करते हैं, तो इसमें जो है ए बी सी चलता है, A+ बहुत ही रेयरली होता है, और ये जो पैनल है वो ए ग्रेड का पैनल है, ए बी सी चलता है, तो ये ए ग्रेड का पैनल है। अब बात करते हैं जब ए ग्रेड के जो पैनल्स होंगे उन पे जो ड्यूरेबिलिटी या लाइफ टाइम होता है वो 50,000 आवर्स का होता है, जो इस पे कंपनी दे रही है, हम क्लेम करते हैं, हम देते हैं कस्टमर्स को। अब बात करते हैं हम लोग इसके इंटरफेस के बारे में, थोड़ा सा इंटरफेस देख लेते हैं। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का जो मैंने पॉइंट्स बताया है वो चीज़ें बिल्कुल आप ध्यान रखिए। वो डाटा शीट किसी भी कंपनी से अगर आप मांगेंगे, आप हमारे यहाँ भी इंक्वायरी करेंगे, डाटा शीट जब शेयर आप करेंगे या स्पेसिफिकेशन, तो इन चीज़ों को जरूर मैच कीजिए कि आप कौन सा पैनल ले रहे हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें। देखने के बाद बहुत जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप जरूर कोशिश कीजिए उसको रियल टाइम देखने का, इसमें लेटेंसी कितना है, लेटेंसी हर सिस्टम में होता है बट लेटेंसी है कितना है, इन चीज़ों पर भी ध्यान दिया जाता है, ठीक है। स्पीकर है, स्पीकर का साउंड कैसा है, इन चीज़ों पे भी, पोर्ट्स जैसे इसमें USB, HDMI, VGA, Wi-Fi, LAN पोर्ट, ये सारे कुछ चीज़ें हैं, इन चीज़ों को देखना है कैसा काम कर रहा है। जब आप फिजिकल देखते हैं और नॉट ओनली डाटा शीट, बहुत सारे लोग हैं ऐसे अभी भी मार्केट में जो कि डाटा शीट तो आपको शेयर कर देंगे बट एक्चुअल परफॉर्मेंस वो मिट कर रहा है कि नहीं, इसके लिए आपको जहां तक मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोगों को जाकर के एक बार, अगर इफ इट इज पॉसिबल तो आप जाकर के उसको एक्सपीरियंस कीजिए फिजिकली। अब ये जो अभी आपको पैनल दिख रहा है, अब इसके थोड़े से इंटरफेस के बारे में भी मैं बता देता हूँ, इसका परफॉर्मेंस और इसका चीज़ें देखिए और बाकी कमेंट्स करके हमें बताइएगा कि ये पैनल आपको, ये बोर्ड कैसा लगा। जिन किसी को भी चाहिए आप कमेंट कीजिए, कॉल कीजिए, पूछिए इसके बारे में, ठीक है। ये जो बड़ी नीट एंड क्लीन दिख रहा होगा, ये आपको पैनल जो कि हमारे हिसाब से होना चाहिए नीट एंड क्लीन। बहुत सारे पैनल्स में आप देखेंगे बहुत सारे आइकन्स पहले ही होम स्क्रीन्स पे बने हुए होते हैं जो ऑप्टिमाइज नहीं होते हैं। ऐसा नहीं कि वो सारे फीचर्स इसमें नहीं है बट बहुत ही नीट एंड क्लीन एक टाइमिंग दिख रहा है आपको। यहाँ पे जो राइटिंग इंटरफेस या जो बोर्ड होता है वो दिख रहा है। यहाँ पे जो है आपको ब्राउजर सिस्टम अपडेट्स जो PS है, अलग अलग जो इसमें आप सॉफ्टवेयर APK फाइल्स को बाई डिफॉल्ट एंड्रॉयड में इंस्टॉल कर सकते हैं, वो चीज़ें हैं वो दिख रहा है। यहाँ पे इसके फाइल्स हैं, फाइल्स में पिक्चर, म्यूजिक, वीडियोज, APK, ये सारी चीज़ें हैं जिसको कि आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जो शॉर्टकट जो मेनूज आइकन दिए हुए हैं वो है, बड़ी ऑप्टिमाइज है, ये देखिए छोटे से आइकन्स दिख रहे हैं, ऐसा नहीं कि ये इस तरीके से आपको एनी टाइम है। तो बड़ी नीट एंड क्लीन ऑप्टिमाइज स्क्रीन है और बाकी OPS का भी ऑप्शन है इसमें जो है। OPS में भी आप बिल्कुल ध्यान रखें, जो OPS का स्लॉट या पोर्ट होता है आपको पिक्चर में यहाँ पे दिख रहा होगा, उसमें बहुत सारे जो पैनल्स होते हैं वो HD पोर्ट्स होता है बट इसमें 4K है, 4K स्लॉट्स है, 4K OPS को सपोर्ट करता है। और जो OPS भी देते हैं उसमें भी आपको जो है, जैसे OPS हो गया तो उसमें जैसे कंप्यूटर में प्रोसेसर होता है i3 i5 i7, वैसा ही इसमें भी होता है, रैम रोम हार्ड डिस्क HDD और SSD होते हैं। तो
वो भी अपग्रेडेबल होना चाहिए, वो भी 4K सपोर्ट वाला होना चाहिए। इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो आप बिल्कुल ही एक बहुत अच्छा ये स्मार्ट बोर्ड ले पाएंगे। कहीं से भी लें, इन चीज़ों को थोड़ा ज़रूर आप नोटिस करें। सिर्फ पैसा, रैम रोम और साइज यही मैटर नहीं करता है। चाहे साइज जो भी आप लें, पैसा वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए, इन चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखें। अब आते हैं, थोड़ा सा मैं इसके इंटरफेस के बारे में दिखा दूं कि कैसा इंटरफेस है। यहाँ पे ये इसका पेन है और ये जो पेन है, बहुत सारे आजकल बोर्ड में आ भी रहे हैं, इसमें भी जो है आपको डुअल कलर आपको मिलता है इसमें, ठीक है, डुअल कलर है। ये पेन है, पेन का अलग अलग कलर है, आप अलग अलग कलर इसमें ले सकते हैं। और मैं कुछ लिख करके दिखा भी देता हूँ। जनरली ये मेरा IFPD पे तीसरा वीडियो है और आप देख रहे होंगे, आप देख रहे होंगे कि ये जो वीडियो है इसमें भी मैं वैसे ही फॉर्मूलाज लिख रहा हूँ। और आपको मैं ये दो तरीके से, एक थिक साइड से मैंने दिखाया, अब थिन साइड से मैं इसमें दिखा रहा हूँ लिख के, ठीक है। व्हाट इज योर नेम, मैंने थोड़ा सा ये ऐसे तिरछा लिखा है। अब इसका इरेजर कैसे काम करेगा ये देखिए, बड़ी स्मूथ है, अभी आपको दिख रहा होगा। तो ज़रूर आप लोग जहाँ कहीं भी लेते हैं इसको फील कीजिए, ठीक है। मैं अगेन कुछ लिख करके आपको दिखा देता हूँ। कम इन यूरेका टेक, ये बहुत ही थिन पेन है, आपको दिख रहा होगा कि बहुत ही पतला हमें चाहिए, ऐसा लोगों का कहना है। एक तरफ से ठीक है, अब ये थिक साइड से मैं कर रहा हूँ, देखिए अलग कलर आ रहा है, तो अलग अलग कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा इसमें सबसे बड़ा जो एडवांटेज है, आप नोटिस कीजिएगा, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि ये जब हम लोग इसको लिखते हैं, सॉरी पेन ले लूँ मैं, जब इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, ये देखिए यहाँ पे मेरा ये शर्ट भी, क्लॉथ भी सट रहा है, मेरा पाम भी सटा हुआ है, लेकिन ये इंप्रेशन नहीं आ रहा है, ये पाम रेजिस्टेंस है। दूसरा ये देखिए, ये यहाँ पे जब मैं लिख रहा हूँ, ये देखिए मेरा पाम सटा हुआ है, ठीक है, फिर भी जो कुछ भी मैं ऐसे लिखूँ आपको ये चीज़ें जो है इंप्रेशन नहीं आया मेरे हाथ का। तो बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम्स होती हैं कि ये पाम रेजिस्टिव होना चाहिए, जो कि पाम रेजिस्टिव है। बहुत सारे लोग जब ये लिखते हैं ऐसे, जब इसमें लिखते हैं और जब ऐसे हाथ सटता है जो कि दिख रहा होगा, तो इंप्रेशन आता है, यहाँ पे इंप्रेशन नहीं आ रहा है, ठीक है। बाकी जो इसमें टूल्स हैं, 20-point टच है, जनरली सब में आता है वो सारे फीचर्स, अलग अलग कलर, अलग अलग बैकग्राउंड कलर्स भी आप ले सकते हैं, कस्टमाइज कलर्स भी ले सकते हैं, थिन थिक पेन का है। बाकी कुछ ये मैथमेटिकल पैटर्न्स है जिसको कि हम लोग यूज कर सकते हैं, ये हमारे पहले वीडियो का भी लिंक आपको यहाँ इस पर मिल जाएगा, आप देख सकते हैं जा करके हैं। और इसमें भी है जनरली फीचर्स हैं तो। और सबसे बड़ी जो बात है, मैं इसको क्लीन कर दूं, और एक चीज़ और मैं दिखाना चाह रहा था इसमें, ये जो बोर्ड है टीचर्स को चाहिए कि बहुत ही नीट एंड क्लीन होना चाहिए। ये जो बोर्ड है अभी आप देखिए कि एकदम नीट एंड क्लीन से, और जो मेनली फीचर्स होते हैं हम लोग इसका फिर भी यूज करते हैं। देखिए मैंने ऐसे लिखा, दूसरे साइड पेन का कलर ले लिया, ठीक है, ये ले लिया। साथ ही साथ इसको डबल फिंगर अगर हम टैप करें इस पर, इसको जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं ऐसे, ये देखिए जूम आउट भी हो गया। साथ ही साथ 5 finger इस पर टैप करेंगे और इसको स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल लेफ्ट राइट कहीं भी कर सकते हैं, अनलिमिटेड, पहला पेज ही अनलिमिटेड वर्क करेगा। बोर्ड पे कोई भी आइकन्स नहीं है, बट जनरली हम लोग 2 color का पेन यूज कर रहे हैं, जूम इन यूज कर रहे हैं, जूम आउट यूज कर रहे हैं, स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, यही जनरली हम लोग को यूज करना होता है। बाकी वर्ड, एक्सेल, PDF, PPT, वीडियो, इमेज, ये सारे कुछ होता है, नेट ब्राउजिंग होता है, बहुत सारे आप लोग फीचर्स देखे होंगे, ये सारे चीज़ें इसमें काम करता है एज इट इज। बट मेनली एक आपको दिखाना था कि कैसा बोर्ड का ऑप्टिमाइजेशन है और फास्ट कितना है। मैं इसकी तो गारंटी लेता हूँ, ये आप नोटिस भी कर रहे होंगे लेकिन वीडियोज में उतना नहीं पता चलता है, बट मैं आप लोगों को कहूंगा जब कभी भी मौका मिले आप इस बोर्ड को एक्सपीरियंस कीजिए हमारे सेंटर पे, डिफरेंट लोकेशंस पे ऑल ओवर इंडिया में हमारे सेंटर्स हैं, उसको जाके आप देखेंगे लेटेंसी बहुत ही फास्ट है, मतलब रियल लेटेंसी तो होती है बट ऐसा लेटेंसी ना हो कि वो पता चले, नेकेड आई से पता चले या कैमरे में पता चले, बिल्कुल नहीं चलेगा। और बहुत बढ़िया, जब आप भी इस पर लिखते हैं तो यू फील वेरी स्मूथ और उसकी एक्यूरेसी रेट भी बहुत अच्छा है। पर्सनली आई फील दिस इज़ वेरी गुड पैनल,
और बाकी डिपेंड करते हैं आप लोगों को कैसा लगा, ये जरूर हमें कमेंट्स में बताइए। और बाकी तो बहुत सारे फीचर्स पॉइंट्स हैं, मैं थोड़ा थोड़ा डिस्कस भी कर देता हूँ, दिखा देता हूँ सिर्फ। ये देखिए, जब मैंने उधर से आइकन खोला था, यहाँ पे वाईफाई, इथरनेट, हॉटस्पॉट के लिए है, आप कनेक्ट कर सकते हैं ऐसे। फिर ऑटोमेटिकली डिटरमाइन डेट, टाइम, आवर्स, टाइम का फॉर्मेट, टाइम जोन आप सेटिंग कर सकते हैं। ये जो है वॉलपेपर आप लगा सकते हैं, वॉलपेपर में ऐसे आ रहा है कि आप कहाँ से, पेन ड्राइव से या जिस भी सोर्स से आप लेना चाहते हैं। स्क्रीन सेवर के लिए भी है, नो सिग्नल बैकग्राउंड, डे लेफ्ट है, चेंज पासवर्ड है, पासवर्ड भी लगा सकते हैं, बूट लॉक स्क्रीन भी कर सकते हैं, रिसेट फैक्ट्री भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी अपडेट्स आता है वो आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट, रिमोट को, रिमोट इसका ना काम करे इसको भी लॉक कर सकते हैं, टच को भी लॉक कर सकते हैं कि समटाइम्स आपने कुछ इस पे बताया है, कहीं आप मूव कर रहे हैं, स्टूडेंट्स आकर के कुछ इस पे कर ले अगर क्लास कर रहे हैं, तो वो आप चीज़ें लॉक कर सकते हैं। इसके कीपैड को लॉक कर सकते हैं। इसमें इंटेलिजेंट प्रोटेक्टिव स्क्रीन्स भी हैं जो कि, और गेस्चर स्विच भी है, ये सारा कुछ भी आपको मिलता है। साथ ही साथ इसमें आपको और भी एक चीज़ें मिलती हैं जो कि ब्लू फिल्टर लाइट भी है, और आंखों के लिए जो है एंटी ग्लेयरिंग स्क्रीन है, और डबल लेड स्क्रीन है, 4mm का टफन ग्लास। इसकी हार्डनेस आप देख रहे होंगे, बहुत ही हार्ड ग्लास है, स्क्रैचेस नहीं आता है, टफन ग्लास है। चलिए फीचर्स पॉइंट्स को जो मैं दिखा रहा था, अब यहाँ से जो है आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, स्पॉटलाइट है, कैलकुलेटर है, काउंटडाउन है, लॉक कर सकते हैं स्क्रीन को, वोटिंग सिस्टम का एक नया सा पैनल है, ये क्लीन कर सकते हैं जो स्क्रीन को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, ये देख रहे होंगे अभी आप। तो बहुत ही ऑटो ऑप्टिमाइजेशन के लिए भी अब जो कि ऑप्टिमाइज करते रहता है, परफॉर्मेंस इसका मेंटेन रखता है इन चीज़ों में। ये है जो कि आपको क्लियर सॉल, जितने भी एप्लीकेशन ऑन रहेंगे जैसे कि हमारे मोबाइल्स में भी होता है, वो आप देखेंगे उसको आप क्लीन कर सकते हैं। अब बात करते हैं, यहाँ से होम स्क्रीन पे आप चल जाएंगे, बैक है, यहाँ पे आपको ये बोर्ड जो है टूल्स ये आ जाता है, कहीं पे भी, यहाँ पे भी हम टूल से चाहें लिखना तो हम लिख सकते हैं, ये देखिए, ठीक है, एनोटेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत ही नीट एंड क्लीन ऑप्टिमाइज है ये बोर्ड, कुछ वैसी चीज़ें ज़्यादा दिख नहीं रहा है, टूल्स बहुत ही स्मूद और एक्यूरेसी के साथ काम कर रहा है, सेटिंग शूटिंग सारा कुछ दिया हुआ है, फीचर सारे दिए हुए हैं, इजिली यू कैन यूज इन दिस सेगमेंट। तो आगे हम लोग बहुत जल्द आपके लिए और भी वीडियो लेकर के आएंगे, आप हमें कमेंट में बताइए कि आगे के वीडियोज़ में आप क्या देखना चाहते हैं। मैं आपके हिंट्स के तौर पर बता देता हूँ कि कैमरा के बारे में देखना चाहते हैं कि कम से कम में इकोनॉमिकल प्राइस में क्या एक बेस्ट कैमरा हो सकता है ऑनलाइन क्लासेस के लिए या रिकॉर्डिंग क्लासेस के लिए, या आप और कोई बोर्ड के बारे में, राइटिंग पैड के बारे में, लाइटिंग के बारे में, स्टूडियो बनाने के बारे में, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बारे में, वर्चुअल क्लास लेने के बारे में, इन सब चीज़ें में से जो भी सबसे ज़्यादा कमेंट्स हमारे पास आएगा कि इन चीज़ों पर वीडियो आगे आप देखना चाहते हैं, हम लोग उस पर बनाएंगे और आपकी हेल्प करेंगे। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।